आज मैं रेडी हो रही हूँ स्पेशल जगह जाने के लिए। जी हाँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं जा रही हूँ आज अर्की के राजमहल, और ज़्यादा स्पेशल इसलिए है कि हमें जो इनविटेशन आया है वो आया है राजमहल की बहू रानी की तरफ से। सच कहूँ तो राजमहल को हम दूर दूर से देखते रहते हैं, कभी वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिलता। एक बार बहुत टाइम पहले गई थी मैं वहाँ पे, हम स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पे गए थे उन्हें दिखाने के लिए कि ये हमारा राजमहल है, इस टाइप का कुछ प्रोग्राम था, तो मैं भी उसमें गई थी। बट उस टाइम वहाँ पे राजघराने के जो भी आगे वारिस रहते हम उन लोगों से नहीं मिल पाए, क्योंकि उनसे मिलने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। बट आज उनकी तरफ से इनविटेशन आया, तो ये इतना अच्छा मौका मैं तो गंवाने वाली नहीं हूँ। इसलिए मैं सज धज के चल पड़ी अब राजमहल की तरफ और राजमहल की बहू रानी से मिलने। तो वहाँ पे और कौन कौन आएंगे और हम क्या क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ राजमहल से थोड़ी सी पीछे, बस थोड़ा सा रास्ता है आगे। तो पीछे से आ रही है मेरी फ्रेंड्स, तो उनका वेट भी कर लेती हूँ, फिर मैं उनके साथ आगे निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे पहुँच गई गाड़ी जिसका मैं वेट कर रही थी। तो इसमें है पूरा का पूरा ब्यूटीफुल लेडी स्टाफ, पर इसमें लग नहीं रहा है कि मैं एडजस्ट हो जाऊँगी। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई गाड़ी में बहुत ज्यादा रश था, तो मैं और चेतना उतर गए रास्ते में, मेरी कुर्ता भी फट गया और मेरी शर्ट भी टायर के नीचे आई, फट गई और थोड़ा सा इसमें कट लग गया। कोई बात नहीं, इंटरलॉक कराएंगे। कहाँ गया वो? यहाँ जैसे ये वाला, ये देखो मेरे सूट को मेरी नजर लग गई। पता क्या होना, यहाँ से कट कट करना है। हाँ थोड़ा सा ही होना, यही वाला कराना, पिको ना, कराना ना, ये पिको कराना। तो यहाँ हम पहुँच गए राजमहल का जो फर्स्ट गेट है सबसे बाहर का, वहाँ पे मैं और चेतना यहीं पे उतर गए क्योंकि गाड़ी में जगह ही नहीं थी। यहाँ राजमहल पहुँचते ही चेतना अपना जलवा दिखाती हुई, तो चेतना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। जब मैं अर्की किराए के रूम में रहती थी तो चेतना मेरी पड़ोसी थी, तो हमारी दोस्ती तब से। वैसे राजमहल का जो एरिया ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर आपको सामने जो ये महल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो पहले राजा होते थे उनके वारिस यहीं पे रहते हैं, यानी कि रानी महाराजा और उनके बहू रानी बेटा। और कुछ निचली साइड को बहुत बड़ा एरिया है, वो मुझे पता नहीं गवर्नमेंट के अंडर है या इन्हीं के अंडर है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी अर्की की क्यूटीज ब्यूटीज सब पहुँच गई और सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे आते ही कविता ने सबका वेलकम किया। तो ये है कविता गौतम जो अर्की से ही है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी डेकोरेशन और जो भी यहाँ पे सारी तैयारियाँ की है वो कविता ने की है। कविता, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वेलकम के लिए इतनी अच्छी डेकोरेशन की है। कुछ ही देर में राजघराने की बहू रानी हम सब से मिले और इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। ये है यहाँ पे मिस पारुल। तो पारुल ने और कविता ने मिलकर डेकोरेशन का काम किया, और पारुल ने काफ़ी हेल्प की है कविता की। और आज का जो म्यूज़िक हमारा जो डीजे मास्टर है वो पारुल ही है।
चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के बाद हम लोग बैठ गए नीचे आंगन में। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा हुए। तो दो चार दिनों में हरतालिका तीज का त्यौहार आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में राजघराने की बहुरानी ने हम सबको यहाँ पे इन्वाइट किया है, अर्की की महिलाओं को, कि यहाँ पे आकर सब मिलकर भजन कीर्तन और कुछ एक्टिविटी करेंगे जो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहे तो बहुत अच्छा होता है, खास तौर से हम हाउस वाइफ के लिए। इस बहाने सबसे मिलना भी हो जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। Oh, my God.
इस छोटे से प्रोग्राम के जो स्पेशल गेस्ट थे वो हमारे बीच में है, तो यहाँ पे हो रहा है उनका वेलकम। मैं चुप्पल कोठाई पंचायत समिति की अध्यक्ष मुझे बहुत अच्छा लगा है आज यहाँ पर अस्सी पैलेस में मयूराक्षी जी ने जो चीज का कार्यक्रम किया है और यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। और आप सभी जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं सबसे मिलने का अवसर मुझे मयूराक्षी जी ने दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी होंगी। और ये मेरा तीज का पहला कार्यक्रम है आज तक का और मैं भी बहुत मुझे लगता है बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। क्या क्या होगा उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। सभी महिलाएं आई हैं आज हमारे अति में और हरतालिका तीज हम जो मनाने जा रहे हैं और सभी महिलाएं आज बड़े जोश के साथ वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप सभी और काफ़ी गेम्स खेलेंगे और भजन कीर्तन के साथ हम अपना त्यौहार हाँ जी ऐसा कार्यक्रम हम अर्की में करते रहें सभी का इसमें सहयोग और योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाली पर तालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सबका अखंड सौभाग्य बना के रखे और खुशियाँ हमेशा ऐसे बनती रहे आती रहे। और जो भी जितनी भी महिलाएँ आती आई हैं यहाँ पे मैं सबका स्वागत करती हूँ। तालिका तीज की सबका स्वागत करती हूँ और हर तालिका तीज में जिस तरह से भी मनाया जा रहा है मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर फेस्टिवल के लिए आप सब एक साथ हुए और इस तरह से कोई भी फेस्टिवल है जैसे करवा चौथ का तीज किसी भी सेलिब्रेशन में अपना सहयोग सभी हर साल का जो चीज़ है इसकी बहुत बहुत बधाई और ऐसा ही कार्यक्रम आगे होता रहे और सब लोगों का ऐसा जुड़ना होता रहे और सबसे अच्छा कार्यक्रम और सबसे पहला कार्यक्रम हमारे को यहाँ पर अच्छा लगा। अच्छा लगा जी बिल्कुल। सबसे पहला ये कार्यक्रम बहुत सौभाग्य की बात है हम महिलाओं के लिए कि अर्की पैलेस में जो ये कार्यक्रम है वो पहली बार ही ऐसे कार्यक्रम जो होने जा रहा है। जी सरस्वती जी बिल्कुल आप भी दो शब्द कहें। जी सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये तीज का त्यौहार आने वाला है उस उपलक्ष्य में हमारे को यहाँ पे बुलाया गया है तो हमें यहाँ आने पर सब इकट्ठे हुए थोड़ा बहुत जो भी कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहे। इसके बाद हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी की और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बट व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अब मिलती हूँ आपको सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।